एनडीए ने प्रधानमंत्री के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले का किया स्वागत। कहा फैसले से काले धन और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र की भावना इस कदम के पक्ष में है। संसद के सत्र में रणनीति तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की हुई बैठक। सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। रिजर्व बैंक ने बचत खाता ग्राहकों के लिए 30 दिसंबर तक एटीएम से लेन देन के लिए सभी एटीएम शुल्क समाप्त करने का दिया निर्देश। इस दौरान खाताधारकों की ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा भी लागू नहीं रहेगी। एटीएम से आज निकलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश को काले धन से मुक्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। लोगों से मांगा सहयोग। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से सबसे ज्यादा गरीबों को होगा फायदा। इजरायली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति रिवलिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें जारी। नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया। आतंकवादियों और अलगाववादियों को कश्मीरी छात्रों का जवाब। 12वीं की कक्षा की परीक्षा में 95% छात्र हुए शामिल। 10वीं की परीक्षा आज से होगी शुरू। CBSE स्कूलों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से होगी शुरू। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 5वीं और 8वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में सोमवार से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की व्यापार मेले की औपचारिक शुरुआत। उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, व्यापार मेले से विश्व पटल पर भारत की बनेगी एक अलग पहचान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कल चांद 69 वर्षों बाद पृथ्वी के सबसे करीब आया। चांद अपने आकार से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई दिया। इससे पहले ऐसा नजारा लोगों ने 1948 में देखा था। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने सीरिया और दोनों देशों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। इराक की राजधानी बगदाद के पश्चिम में स्थित फलूजा शहर में 2 अलग अलग कार बम धमाकों में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के एंडी मरे ने जीत के साथ की शुरुआत। मरे ने सिलिच को 6-3, 6-2 से दी मात। वहीं एक अन्य मुकाबले में जापान के निशिकोरी ने वावरिंका को 6-2 और 6-3 से हराकर अमेरिकी ओपन में अपनी हार का लिया बदला। टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को ICC की टेस्ट बल्लेबाजी की ताजा रैंकिंग में 4 स्थान का नुकसान हुआ है। रहाणे टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में 9वें स्थान पर खिसके।